नमस्कार, जनबोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सऊद आलम। आज पटना में जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसके बाद इस पार्टी के मुखिया यानी पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे घोषणा किए। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कहा कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी कम से कम 125 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तथा अगर हम किसी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं यानी किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बिहार में गठबंधन के तहत यह पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी भी परिस्थिति में हम 100 सीट से नीचे नहीं लड़ेंगे, और यदि अकेला हम चुनाव लड़ेंगे तो हर परिस्थिति में लाइक माइंडेड पार्टी के साथ चुनाव होगी तो हम 125 और 140 की सीट में हम रहेंगे हर परिस्थिति। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि बिहार में जो भी अन्य छोटे दल हैं, हम वीआईपी रालोसपा जैसे जो भी दल हैं, उनको आगे लाएं और एक व्यापक गठबंधन को बनाएं। इसके लिए कांग्रेस से हम आग्रह करते हैं कि आप वामपंथी माझी जी, कुशवाहा जी, निषाद साहब, और महसूस करते हैं कि मैं खाद बनने को तैयार हूं। 30 बरस की क्या लाचारी, अधिकार मांगे हर बिहारी नारे के साथ उनकी पार्टी 18 अप्रैल से मोतिहारी और वैशाली की धरती से जन क्रांति यात्रा की शुरुआत करेगी, जिसका समापन 30 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया जाएगा। 30 बरस की क्या लाचारी, अधिकार मांगे हर बिहारी 18 अप्रैल से जन क्रांति यात्रा, इस नारे के साथ जन अधिकार पार्टी की वैशाली और मोतिहारी के धरती से शुरू हो, जो 30 जून को गांधी मैदान में समापन हो। 30 मई